रात्रि क्लास चल रहा था, 6/10/1967, दूसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। बच्चे यहां ही बाबा बाबा कहते रहते हैं और उसको भी फिर बाबा कहते हैं। किसको? जब वाणी चली थी 67 में तो किसके लिए कहा उसको भी फिर बाबा कहते हैं, और बच्चे यहां ही बाबा बाबा कहते हैं, माने और कोई युग में बाबा बाबा नहीं कहते हैं। तो भी लगाया माने जो बच्चे हैं शिव बाप के वो यहां ही बाबा बाबा कहते रहते हैं और उसको भी फिर बाबा कहते हैं। फिर माने बाद में, माने किसको? मुकर्रर रथ को। अभी दोनों को बाबा बाबा कहें तो भी मुझे हो जाती है क्यों? अभी अभी माने 67 में दोनों को बाबा बाबा कहें तो भी मुझे हो जाती है। क्या मुझे हो जाती है? किस बात की मुझे हो जाती है? है ये मुझे हो जाती है कि अगर ब्रह्मा बूढ़े तन में दादा लेखराज में बाबा कहें तो शिव तो बाप है और ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो बाबा कहा जाता है, तो एक ही बाबा हुआ ना, है? फिर दो कहां हुए? ला भी कहता है कि उनको दादा कहा जाता है। क्या यहां संगम युग में ला क्या कहता है? भले संगम युग में दो बाबाएं हैं, ब्रह्मा तो मां है, बात बाबा थोड़ी है, तो दादा लेखराज को मां ही कहेंगे ना, तो बाबा दो हैं उनको फिर भी बाबा कहते हैं, तो मुझे इसलिए हो गई कि लामुजीब एक को बाबा कहें और फिर वो एक वापस चला जाए, कौन? शिव। हाँ, तो फिर उसको बाबा कहा जाए, दोनों को बाबा अभी कैसे कहेंगे? तो क्या कहेंगे दोनों को? एक को बाबा और एक को दादा। तो ला भी कहते हैं उनको दादा कहा जाता है। किनको? किनको? मुंह दादा, मुकर्रर रथ को दादा कहा जाता है, उनको बाबा कहा, उनको बाबा कहा जाता है, बाद में बाबा कहा जाएगा। कई कई घरों में छोटा बाबा बड़ा बाबा ऐसे होते हैं, छोटा और बड़ा दोनों इकट्ठे हैं यहां। कहां? संगम युग में छोटा बाबा बड़ा बाबा इकट्ठे है ना, बरोबर। ये जो ब्रह्मा वो है छोटा, छोटा बाबा कौन है? ब्रह्मा, ये है छोटा बाबा, और वो हुआ बड़ा बाबा।
वो माने दूर या नजदीक? वो माना दूर, तो वो हुआ बड़ा बाबा, क्योंकि बड़े से बड़ा वर्षा मिलता है, है? जो बड़ा बाबा है उससे बड़ा वर्षा, छोटे बाबा से छोटा वर्षा, ये कैसे? बड़े बाबा से जो बड़ा वर्षा मिलता है वो है अतीन्द्रिय सुख का वर्षा, इंद्रियों से भी परे का वर्षा। और जो छोटे बाबा से वर्षा मिलेगा वो सोलह कला संपूर्ण बाबा हो बनेगा सतयुग में। तो जब बनेगा तो उससे इंद्रियों का सुख मिलेगा, है, इंद्रियों के सुख का वर्षा मिलेगा कि अतीन्द्रिय सुख का वर्षा मिलेगा? अतीन्द्रिय सुख का। तो बड़े बाबा से बड़ा वर्षा और छोटे बाबा से छोटा वर्षा। तो बाप साफ कह देते हैं, क्या क्या कह देते हैं, है, मेरे से वर्षा नहीं मिलेगा। क्या? अरे क्या वर्षा चाहिए? साफ क्या कह दिया? मेरे से वर्षा नहीं मिलेगा, ज्ञान का वर्षा नहीं मिलेगा। अरे मैं तो हूं ही निराकार, तो निराकार ही वर्षा दूंगा ना, मेरे से कौन सा वर्षा नहीं मिलेगा, तुम्हें क्या चाहिए? अरे आत्मा क्या चाहती है, जन्म जन्मांतर क्या चाहती है आत्मा? सुख और शांति चाहती है। तो वो सुख का वर्षा मेरे से नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? जिसे मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उससे सुख का वर्षा मिलता है। और मेरे से है? मेरे से ज्ञान का वर्षा। ये तो हुई शिव की बात, लेकिन यहां बोला है मुरली में, मेरे में ज्ञान एक रक्ति का भी नहीं है, है? ये किसने कहा? हा ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मेरे में ज्ञान एक रत्ती का भी नहीं है। और दूसरा कौन कहेगा, है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो भी क्या कहेगा, है? क्या कहेगा? मेरे में एक रत्ती का भी ज्ञान नहीं है। इनको जो कुछ वर्षा, किनको, इनको जो कुछ वर्षा, इनको माने किनको? नजदीक है कि दूर है? हाँ नजदीक है, भले एक इमर्ज करके सामने है और एक में प्रवेश है। तो इनको जो वर्षा मिलता है, तो क्या कहेंगे ये, है? ये कहेंगे कि मुझे वर्षा बाप से मिलता है। कौन से बाप से? सुप्रीम सोल बाप से वर्षा मिलता है। तो बच्चों को भी बोलता है बाप से वर्षा मिलता है, दादा से वर्षा नहीं मिलता। चाहे आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हो उनमें दादा हो, और चाहे साकार रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हो जो निराकारी बनती ही नहीं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, तो उनमें जो दादा है, है कि नहीं? कौन दादा है कौन बाप है? अरे प्रजापिता है बाप, साकारी मनुष्य षष्ठी में साकारी बनने वाली आत्माओं का, और दादा लेघुराज ब्रह्मा है, क्या दादा? तो बताया मुझे भी वर्षा मिलता है तो बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा ने कहा। तो बच्चों को भी बोलता है बाप से वर्षा मिलता है। जो जो बाप को जास्ती याद करेंगे, कौन से बाप को, है? जो जो बाप को जास्ती याद करेंगे
उनको जास्ती विकर्म विनाश हो जाएगा, कौन से बाप को याद करेंगे। एक कहता है मुकर्रर रथधारी बाप को याद करेंगे, एक कहता है शिव बाबा को बाप शिव बाप को याद करेंगे, है तो जास्ती वर्षा मिलेगा, बताओ। जो जो बाप को जास्ती याद करेंगे उनका जास्ती विकर्म विनाश हो जाएगा और वो पवित्र बनेगा। बताओ कौन याद करेगा, किसको क्या मिलेगा। जो जो बाप को जास्ती याद करेंगे उनका जास्ती विकर्म विनाश हो जाएगा वो पवित्र बनेगा। कौन सी बाप की बात है, अरे एक ही तो बाप है, है? अगर एक कहेंगे तो साकार में कहेंगे कि निराकार में कहेंगे, है? एक कहेंगे तो एक पर्सनालिटी हुई ना। तो जो जो बाप को जास्ती याद करेंगे उनका जास्ती विकर्म विनाश हो जाएगा वो पवित्र बनेगा। अच्छा फिर जो जो सर्विस भी बहुत करेंगे, क्या सिर्फ याद करने की बात नहीं, क्योंकि सर्विस भी करनी है ना बच्चे, सेवा भी करनी है, और क्या करना है, भी माने कुछ और भी करना है, है याद भी करना है, याद भी करना है, सेवा भी करना है, और आप समान बनाना भी है। क्या हर एक को आप समान बनाना भी है। अगर तुम बच्चों को राजा बनना है तो ये तीनों काम करना है, क्या क्या, याद भी करना है, सेवा भी करना है, और सिर्फ सेवा नहीं है, बाप आप समान बनाना भी। हाँ तो ये तीनों काम करेंगे तो राजा बनेंगे। रानी बनना है तो फिर प्रजा भी तो बनानी पड़े ना, यहां है रानियों के कंट्रोल में रानियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी, प्रजा भी रहेगी, तो तुम बच्चों को फिर प्रजा भी बनानी यहां पड़ती है, है? ऐसे नहीं सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में प्रजा बनाएंगे, राजा यहां बनेंगे तो प्रजा भी यहां ही बनानी पड़ती है। जिस राजा को प्रजा ही ना हो तो राजा कहेंगे, राजा कैसे कहेंगे। तो जितना जितना जो आप समान बनाएंगे अभी, जैसे ये ले आती है बहुतों को, किसी की तरफ इशारा किया, फिर तुमको भी होशियार होना चाहिए, है? ये ले आती है बहुतों को, ये कह के किसका इशारा किया और तुमको किसको की कहा, तुमको भी होशियार होना चाहिए बच्चों। ये कौन ले आती है बहुतों को, है? लक्ष्मी माता निकलेगी तो बहुतों को ले आएगी कि अभी बहुत निकल रहे हैं, नहीं तो कहा तुम बच्चों को भी होशियार होना चाहिए, है? अच्छा ले आती है तो क्या सरसठ में ले आती है, है? किसको ले आती है सरसठ, बेसिक ज्ञान वालों को ले आती है, है? एडवांस में आएगी तो ये एडवांस में बहुतों को ले आएगी, तो तुमको भी क्या करना चाहिए, है? तुमको भी होशियार होना चाहिए। होशियार का मतलब क्या हुआ, है? होशियार का मतलब क्या हुआ, अभी ज्ञान में होशियार नहीं है, है?
अभी ये बच्चे ज्यादा होशियार है, जैसे बहुतों को ले आती है प्रैक्टिकल सर्विस। अरे प्रैक्टिकल सर्विस नहीं करते हैं तो फिर ये रुद्रमाला के मणके निकलते कहां से है? आप ही नहीं 67वें ज्ञान में आए ही नहीं 67वें ज्ञान में कौन नहीं आए है? अरे तुमको भी होशियार होना चाहिए है, बच्चों को। तुम किन बच्चों से कहा? रुद्रमाला के बच्चों से कहा ना, तुमको भी 10-20 को ज्ञान देना है तब राजा बनेंगे है, रोज देना है। ब्राह्मणी बन जानी है, ब्राह्मण नबी हो क्या? जरूरी है कि वो ब्राह्मणी हो तभी ब्राह्मणी नबी हो। फिर भी अगर बने तो भी चक्कर लगा करके सर्विस पर निकल सकते हैं ना, ब्राह्मणी भी निकल सकती है, ब्राह्मण भी निकल सकते हैं कि हमको तो यही धंधा करना है। क्या है? बहुतों को निकालने का, आप समान बनाने का है, बाबा को याद करने का, यही धंधा करना है, सबको रास्ता बताने का धंधा करना है, सबको। क्योंकि अंधे की लाठी, तुम बच्चे गए हुए हैं ना, अंधे की लाठी माने अंधे किस बात के? अज्ञान के अंधे और ज्ञान के सोजरे कहे जाते हैं। तो अंधे की लाठी गए हुए हैं, खुद अंधी हो तो अंधे की लाठी गई जाएगी नहीं? अभी मन से तो ऐसे ही गाते रहते हैं, कहते हैं अंधे की लाठी, न जानते हैं कि वो अंधा कौन और वो लाठी कौन। लाठी तो लकड़ी की होती है, लकड़ बुद्धि, और अंधी, अंधी लकड़ बुद्धि होती है क्या? नहीं। क्यों? अंधी लकड़ बुद्धि नहीं हो सकती है? अरे लाठी के सहारे अंधा चलता है ना, अंधी हो अंधा हो लाठी ऐसे ऐसे टेकते जाएंगे तो चलता जाएगा। तो कौन हुआ मूल रूप में पहला पहला अंधा और पहली पहली लाठी है? कोई हुआ कि नहीं? हा, लक्ष्मी और जगदम्बा, लक्ष्मी हुई अंधी और जगदम्बा हुई ज्ञानी, ऐसे है? ऐसे है? नीचे नजर झुकाई दे बताओ। अरे मूल रूप में सबसे पहले पहले अंधा और अंधी कौन हुए? सबसे ज्यादा अंधी और सबसे ज्यादा लाठी। ब्रह्मा पहली अंधी, ब्रह्मा बाबा, और राम लाठी, क्या बताओ? तो ब्रह्मा का जन्म जन्मांतर का कनेक्शन रहा होगा फिर। प्रजापिता लाठी लभी अंधा लट, प्रजापिता अंधा, प्रजापिता अंधा, अरे प्रजापिता अंधा, अरे
हाँ शिव लाठी, वो लाठी थी या लकड़ थी? अरे कमाल है, शिव को बताई दिया। अरे सो सुप्रीम सोल तो कभी लकड़ बुद्धि पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं। अरे नाम एक्यूरेट बताना चाहिए ना। है शिव बाबा, वो लकड़ बुद्धि संगम युग में शिव बाबा या साकार शरीर में प्रवेश करता है तो कहा जाता है शिव बाबा, वो लकड़ बुद्धि ले तुम्हारा। अरे शिव बाबा ज्ञानी तो लकड़ बुद्धि कहां से हुआ, लकड़ी कहां से हुआ, लकड़ी बने लाठी, प्रजापिता लाठी क्या, और जो छोटी मम्मी है वो क्या हुई अंधी, क्या कहेंगे हाँ, पार्वती को कहेंगे अंधी भक्तिन, वो भक्त हुई और वो क्या हुआ हाँ, लाठी। तो अंधे की लाठी बना, तो कोई लाठी तो अंधों को तो लकड़ी दी जाती है ना, है तुम है फिर रूहानी बच्चे, क्या तुम बच्चों में ऐसा कोई नहीं है जिसको रूह अपनी न हो, सबको अपनी रूह है ना, तो लाठी की तो फिर बात नहीं। हाँ ये है जैसे दीपक होता है उसमें तेल खत्म होने को आ गया है, स्मृति में भी नहीं रहा, स्मृति माने स्मृति ना दीपक के अंदर जो बत्ती होती है ना वो स्मृति की डोरी हो गई बत्ती, और उसमें भी तेल सूख जाए तो दीपक जलेगा नहीं जलेगा। तो तुम्हारी आत्मा रूपी दीपक जब पूरा उजियाना होने लगता है, पूरा नहीं होता होता है उजिया जाती है ज्योति, तब मैं प्रवेश करता हूं है? और प्रवेश करता हूं तो क्या देता हूं दीपक में क्या आता है, तो दीपक जलता है, है? अरे कुछ आता है कि नहीं दीपक जलता है तो आग्रत आता है, ग्रत आग्रत ग्रत आता है, तो ग्रत आता है कहो तेल आता है या मिट्टी का तेल आता है, दो तरह के तेल होते हैं ना, एक होता है शुद्ध बहुत एकदम बढ़िया ग्रत, और गाय का हो तो और बढ़िया है ना हाँ, और दूसरा दूसरा होता है फिर मिट्टी का तेल, मिट्टी होती है ना मिट्टी का तेल, तो कौन सा बढ़िया है, ग्रत बढ़िया। तो बताया तो जब वो ऊर्जा डाली जाए चाहे वो मिट्टी की हो और चाहे वो ग्रत प्योर हो, तो जब ऊर्जा डाली जाए तभी तो दीपक जलेगा है? तो जितनी भी मनुष्य आत्माएं होती हैं सृष्टि रूपी रंग मंच पर सबके अंदर की जो ऊर्जा है कैसी होने लगती है, उजियानी होने लगती है, तब शिव बाप आते हैं, क्या ऊर्जा है असली, कैसी ऊर्जा है, है असली ऊर्जा कैसे, गौघ्रत है, कैसे गौघ्रत है, जहां परम धाम से आता है वहां गौ कहां से आ गई, अरे एक अक्षर नहीं लिखा जाता है, परम ब्रह्म कौन है गौ है, परम ब्रह्म कौन है गौ, परम पिता फिर कौन है, परम ब्रह्म कौन है, है बड़ी अम्मा कौन है, बड़े थे बड़ी अम्मा है, और इस मनुष्य सृष्टि पे बड़े थे बड़ा बाप कौन है, अरे
इस मनुष्य सृष्टि पर बड़े से बड़ा बाप कौन है और बड़े से बड़ी मां कौन है? परम पिता शिव बाप और परम ब्रह्म मां। अच्छा, शिव बाप परम ब्रह्म मां। अच्छा, तो वो तो दोनों एक हैं कि दो हैं? है शिव बाप जिसे हम घृत कहते हैं, वो संसार में कब प्रत्यक्ष होता है? है पर्सनालिटी चाहिए ना, तो कौन सी पर्सनालिटी के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? है परम ब्रह्म कौन, कौन सी पर्सनालिटी? परम ब्रह्म जिसे पर्सनालिटी कहें वो आदम। अच्छा, तो वो आया नहीं आदम में? फिर वो आदम में भी जब तक वो गौ ऐड ना हो क्या, तब तक प्रत्यक्षता होगी? संपूर्ण प्रत्यक्षता होगी? नहीं होगी। तो गौ हुई कि नहीं? हाँ। और एकदम पवित्र गौ हुई के थोड़ी अपवित्रता है? हाँ, क्योंकि दो गौ में विशेष गाई हुई है। एक तो कामधेन, सब तरह की इच्छाओं की पूर्ति करती है। तुम्हारी गंदी इच्छाएं हो और अच्छी इच्छाएं हो, है वो अपना पार्ट बजाती है, है? हाँ। और दूसरी है उससे पैदा होने वाली नंदिनी, है? तो ज्यादा पवित्रता के समय, क्योंकि पवित्रता से ही दुनिया के सारे काम होते हैं। प्योर पवित्रता होगी तो जबरदस्त काम होगा, इम्प्योर होगी इम्प्योरिटी तो इतना काम नहीं होगा। हा बताओ। नंदिनी, हा नंदिनी नहीं, हा नंदी की भी नहीं कहते सकते हैं। नंदी तो दो है ना, एक छोटा नंदी और एक बड़ा नंदी। नंदिनी, हा कोई कोई प्रदेश ऐसे हैं नॉर्थ इंडिया से जुड़े हुए हैं क्या, तो उनको जल्दी जल्दी हिंदी आ जाती है। वो थोड़े दूर हैं तो जल्दी आउट करते रहते हैं, जल्दी जल्दी बनते नहीं। हाँ। क्या नहीं बनते? अरे जो माता पिता प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं उनके बच्चे बनते नहीं। तो बताया कि एक लाठी लक्कड़ बुद्धि है कि नहीं? लक्कड़ बुद्धि, लक्कड़ बुद्धि क्यों? लक्कड़ बुद्धि क्यों? हा अरे लक्कड़ बुद्धि क्यों? लक्कड़ बुद्धि इसलिए कि जैसे दीपक में धागा है कॉटन का, रुई का, तो वो उसको ज्योति कहें, ज्योति किसे कहेंगे? ज्योति पवित्रता की होती है या पवित्रता न हो मिट्टी से बनी हुई हो तो ज्योति कहेंगे? तो जो कॉटन है वो कैसे बना? ज्योति है
ज्योति नहीं है, मिट्टी तो है। तो वो ज्योति आनी चाहिए पवित्रता की। तो वो ज्योति पवित्रता की, वो जो लाठी है, किसे लाठी कहो या वो नरसिंहा अवतार में खंभा कहो, खंभ कहा ना, खंभ फाड़ के निकल आया। हाँ, तो वो लाठी लक्कड़ बुद्धि होने की वजह से उसमें ज्योति नहीं है। तब क्या किया जाए? जब पहले यज्ञ रचते थे तो दो लकड़ियों को घिसते थे, क्या? हा, वो दो लकड़ी कौन सी होती थी है? पीपल, क्या? पल पल पीने वाली पीपल। एक होता है बड़गद, बड़ा बट वृक्ष कहते हैं, और एक होता है पीपल। क्या अंतर है दोनों में? पीपल के पत्ते बहुत हिलते हैं, हा? और बड़गद के स्थिर रहते हैं। तो जो हिलते हैं उनको स्थिर करना पड़े ना, है? स्थिर हो तो कहेंगे इत्थ, इत्थ माने स्थिर है। और जैसे अश्व है, घोड़ा कहा जाता है, तो मन रूपी घोड़ा इत्थ माने स्थिर कब हो है? मन रूपी घोड़ा स्थिर कब हो? जब, हा, जब बुद्धि उसे कंट्रोल करे तो स्थिर हो। तो ये दो लकड़ी है, क्या? एक छोटी मम्मी और एक बड़ी मम्मी, माना प्रकृति के दो रूप हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। ये दोनों लकड़ियों को घिसा जाता है तो आग पैदा हो जाती है, क्या? अब वो आग जो अग्नि पैदा होती है उसको कहते हैं अग्नि। कौन सी श्रेष्ठ, कामाग्नि श्रेष्ठ या योगाग्नि श्रेष्ठ? योग, योग अग्नि, वो अग्नि पैदा हो जाती है। तो उन दोनों के मिलने से बनती है महालक्ष्मी। लक्ष्मी कौन? जो कही जाती है गौरी, और लक्ष्मी उसको भी कहते हैं, जो काली है उसको भी लक्ष्मी कहते हैं। तो जो महाकाली है उसमें दोनों इकट्ठे हो गए, तो उनका संघर्षण होता है तो ज्योति पैदा हो जाती है। तो कौन सी ज्योति? हा, आभा। क्या कहते हैं? भा, भा माने आभा, रत, जो भा माने रोशनी में रत रहे। कौन सी रोशनी? एक होती है ज्ञान की रोशनी और एक होती है पवित्रता की रोशनी। तो जो चमक होती है वो किस में दिखाई देती है? जैसे धर्मपिताएं ऊपर से आते हैं, उनमें तो ज्ञान होता है ना? और जिसमें प्रवेश करते हैं उनमें ज्ञान तो नहीं है, लेकिन चमक किस में होती है? चमकता चेहरा किसका कहे? जिसमें प्रवेश करते हैं उनका चेहरा चमकता है। तो ऐसे ही शिव सुप्रीम सोल निराकार जब आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका चेहरा चमकता तो है, लेकिन चमक होने पर भी क्या उसको कोई पहचान नहीं सकता। जैसे धर्म पिताएं भी आते हैं, कोई पहचानता है क्या? अगर पहचानते होते तो फिर उनका मुकाबला करते, सुख देते कि दुख देते, है? ठोकरें खिलाते। हाँ, धर्म पिताओं को तो ठोकरें खानी पड़ती है धर्म स्थान, क्योंकि निराकार होते हैं।
अवश्य वो निराकार, वो साकार तन में आता है, तो संग के रंग से वो भी निराकारी स्टेज तो पकड़ता है, लेकिन दुनिया वाले उसे पहचान नहीं सकते। कौन पहचानते हैं? वही निराकारी स्टेज वाली आत्माएं जो निराकारी बनती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ही, वो ही पहचानती है। तो उनके पहचानने से भी कुछ बनता नहीं। बनता कब है? जब वो ज्ञान की चमक, वो ज्योति प्रैक्टिकल में पवित्रता के रूप में कोई चोले में दिखाई पड़े। तो दो गौएं हो गई, एक हो गई कामधेनु, उसमें सारे ही देवताएं दिखाए जाते हैं 33 करोड़, और एक है नंदिनी। नंदिनी का अर्थ क्या है? है नंदिनी का अर्थ है प्रसन्नता। क्या? सिर्फ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। काम, अरे काम तो फिर दो तरह का हो गया, कामाग्नि भी और फिर कहते हैं योगाग्नि भी, है ना? तो प्रसन्नता चाहिए या काम चाहिए? काम के भी दो रूप दिखाते हैं। एक होता है अनंग, हो ही है काम वो अनंग। एक होता है अंग, तो अंग कब होता है, अनंग कब होता है? कौन से युग में अंग और कौन से युग में अनंग है? सत्युग त्रेता में अनंग और द्वैतवादी युग में अंग, उसको कहेंगे काम। तो अनंग कौन कहे? दोनों में, लक्ष्मी में, महालक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों में अनंग किसे कहें? लक्ष्मी को कहें अनंग। अनंग का मतलब अंगों की परवाह नहीं है, अंगों का सुख मिले या न मिले। और जिसको परवाह है, अंग का सुख तो जरूर चाहिए, जगदम्बा है। तो बताया कि ये अंधा दोनों में कौन हुआ? दो लक्ष्मी के रूप हुए, एक गौरी एक काली। उनमें अंधा किसको कहें? फिर उनमें लक्ष्मी को कहें अंधा, जगदम्बा को फिर भी कहेंगे क्या? ज्ञानी। बेसिक ज्ञान तो है बाप को नहीं पहचाना, बाकी जितना दादा लिंगराज ब्रह्मा ने पहचाना उससे तो ज्यादा ही पहचाना ना, नहीं? तो दादा लिंगराज की भी अम्मा कौन हुई? है वो ही जगदम्बा। तो बताया कि भाई अंधे की लाठी, ऐसे गाते तो हैं अंधे की लाठी, तो कोई लाठी तो अंधों को तो लकड़ी दी जाती है, तुम्हें रूहानी बच्चे। मोहल्ले मोहल्ले में आजकल वो अंधे देखे जाते हैं ना प्लेटफार्म पर, तो टिक टिक के चलते रहते हैं ने? तो उनकी टेकनी जो है आवाज भी करती है, लाठी होती है ना वो आवाज करती है, लोग समझ जाते हैं हाँ कोई अंधा आ रहा है, इसको रास्ता दे दो। तो ऐसे ही है, वो आवाज तो करती है लेकिन है लक्कड़ बुद्धि, उसकी आवाज का कोई ज्यादा असर होने वाला नहीं है। ज्यादा असर कब होता है? लकड़ी का, लक्कड़ बुद्धि का ज्यादा असर कब हो? जब उसमें वो मेल हो किसका? चैतन्य आत्मा का। अंधा का चैतन्य आत्मा तो है, तो कहेंगे रूहानी बच्चे।
तो फिर तुम हो रूहानी बच्चे, फिर क्यों लगा दिए बाद में? अभी तुम कितनी भी कोशिश करो कि तुम रूहानी बच्चे बन जाओ, तो तुम रूह सदा काल बनने वाले नहीं हो। कब बनोगे? पक्का पक्का रूह कब बनोगे? जब वो अंधी तुम्हें मिले। क्या रुद्रमाला में सारे कैसे हैं? क्या कहेंगे? है लकड़ बुद्धि, लंगड़े हैं। जो लंगड़े होते हैं ना, उनको टांग दी जाती है। कैसी है? आजकल डॉक्टर लोग टांग लगाते हैं ना, तो उसमें जान होती है टांग में? नहीं। कैसी होती? लकड़ी की कहो या कोई क्या मेटल की कहो, कैसे होती है? कुछ ना कुछ प्लास्टिक की कहो। हाँ, तो सबको रास्ता देती हो तुम। किसको कहा? तुम सबको रास्ता देती हो, देती हो, देता हो नहीं। क्यों ऐसे क्यों कहा? तुम सबको रास्ता देती हो, क्यों कहा ऐसे? अरे किससे कहा? हाँ, लक्ष्मी से कहा। तुम सबको रास्ता देती हो, तुम जब तक आगे ना बढ़ो तब सबको रास्ता मिलेगा भी नहीं। न रुद्रमाला के बच्चों को मार रास्ता मिलता है। क्या जो बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं वो भी है? उस पार्टदारी को पहचानते हैं जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, है? कि संशय आता रहता है। संशय आता, संशय बुद्धि है, विनश्यते होते रहते हैं। तो बताया कि तुम सबको रास्ता देती हो। सबको माने किसको? सबको माने सबको में कौन कौन आ जाता है? सबको में कौन कौन आ जाएगा? हाँ, 500, 700, 750 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबको रास्ता। उसमें पहला नंबर पहला नंबर वही आदम। आदम को भी रास्ता कब मिलेगा? है निराकारी स्टेज में टिकना है, उसे बाप समान बनना है, तो कब मिलेगा? सदाकाल, सदाकाल निराकारी स्टेज। क्या? नो संकल्प एट ऑल, 24 घंटे में। नहीं तो कितनी भी कोशिश करे निराकारी बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो पवित्रता की वो पावर, पवित्रता की पावर से दुनिया के सारे काम होते हैं। कौन सी पवित्रता है? पवित्रता किसे कहें? पवित्रता निराकार शिव बाप को पवित्र कहें है? ज्ञान पवित्र है, निराकार है तो निराकारी ज्ञान है, तो कहेंगे ज्ञान पवित्र है, निराकारी चीज पवित्र है। अब निराकारी ज्ञान कोई चाहता है दुनिया में? क्या चाहते हैं? हाँ, दुनिया में सब चाहते हैं हमें प्योर माल मिले। हाँ, क्या पानी भी मिले तो पवित्र मिले, भोजन भी मिले तो पवित्र, वो कोई झूठ झूठा कर दे तो? अब वो नहीं चाहिए आज। तो सबको रास्ता देती हो, देती हो माने पवित्रता का भंडार हो या अपवित्रता का भंडार हो? है पवित्रता का भंडार देती हो। ती हो कब कहा जाएगा? देता हो कहना चाहिए। शिव बाप पुरुष है या स्त्री है? न पुरुष है न स्त्री है। क्या उसको वास्तव में तो पुरुष ही कहेंगे? पुरुष क्यों है? पुरुषों से जिसे किसी आधार की जरूरत पड़े है? और स्त्री किसे? जो आधार है स्वयं, आधार रूपा। जैसे धरणी को कहते हैं आधार है, और धरणी के ऊपर जो टिकने वाले हैं उनको कहते हैं मनुष्यात्मा। तो तुम सबको रास्ता दे। इन आंखों से तो मनुष्य देखते हैं ना, इन आंखों से। किन आंखों से? जड़ आंखों से मनुष्य देखते हैं।
परंतु देखते कौन है? है इन आंखों से, है इन आंखों से कौन देखते हैं? मनुष्य देखते हैं या आत्मा देखती है? आत्मा देखती है। हाँ तो आत्मा देखती है ना बच्ची? हाँ देखती है। अभी इन आंखों से आत्मा देखती है। अभी पहले तो तुम अपन को आत्मा समझते ही नहीं थे, अभी तुम समझते हो कि हमारी आत्मा इन आंखों के द्वारा देखती है। तो कौन सी आंखें हैं? अरे सब को दो आंखें होती है कि नहीं? तो शिव को दो आंखें कौन सी है? राम और कृष्ण दो आंखें हैं। अच्छा राम और कृष्ण दो आंखें हैं, एक राइटियस और एक लेफ्टिस्ट है, एक चढ़ती कला में ले जाने वाली और एक उतरती कला में ले जाने वाली। अच्छा क्या नाम बताए? राम और कृष्ण। अच्छा उनको भी आधार किसका लेना पड़ता है? तब तक वो जन्म भी नहीं ले सकते, संसार में प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकते। हाँ तो दादा लेखराज को किसका आधार लेना पड़ता है? लक्ष्मी का आधार लेना पड़ता। यज्ञ के आदमी किसका आधार लिया था? है? है? अरे उन्होंने अपना साक्षात्कार सुनाया तो किसका आधार लिया? कौन आधार बना? हाँ जगदम्बा बनी ना। जगदम्बा ना होती तो उनका पहला पहला आधार हल होता नहीं? होता तो बताया। और दूसरी आत्मा बताई जो ऊर्ध्वमुखी है, तो आदम है? लक्ष्मी ऊर्ध्वमुखी है, आदम। तो आदम, आदम के लिए फिर कौन सी आंख चाहिए? प्रैक्टिकल में दो आंख है उसको भी है। कौन सी? एक जगदम्बा और एक लक्ष्मी। हा तो एक है बाई आंख और एक है दाई आंख, है ना? बताया। दाया तो अच्छा माना जाता है और बाया उतना अच्छा नहीं माना जाता। जो भी है दोनों आंखों से देखती है आत्मा। ये अगर मनुष्यों को पता चल जाए कि आत्मा देखती है तो समझें कि हम ही पढ़ते हैं, हम आत्मा ही लिखते हैं, हम आत्मा ही इम्तिहान पास करते हैं है? और इम्तिहान पास करते हैं तो हम क्या बनते हैं? हम आत्मा किससे पढ़ाई पढ़ते हैं? परमात्मा से पढ़ाई पढ़ते हैं। और जिस परमात्मा से पढ़ाई पढ़ते हैं वो सदगुरु हमारा। सदगुरु से पढ़ाई पढ़ते हैं, इम्तिहान पास करते हैं तो क्या बनते हैं? जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं। इम्तिहान पास करेंगे तो राजा बनेंगे, नहीं पास करेंगे तो राजा नहीं बनेंगे। अभी हम आत्मा फलाने नंबर की आत्मा बनी, पता चलेगा कि नहीं है? अरे कोई को पता चला होगा कि नहीं? कोई को पता चला होगा। अच्छा फलाने नंबर की आत्मा बनी है। मेरी आत्मा का जो शरीर है उसके ऊपर मेरा नाम है। क्या? मेरा जो शरीर है उसके ऊपर मेरा नाम है। बाबा ने समझाया था ना बच्चे कि शिव का जो चित्र है ना, है शिव का कौन सा चित्र है?
शिव को चित्र होता है, शिव को अपना चित्र नहीं होता है, लेकिन शिव का चित्र होता है। क्या हा कौन चित्र है? हा शिव का जो चित्र है वो लिंग है। क्या दुनिया में भी भारत में भी खास शिव का लिंग बनाते हैं ना? हा और शंकर का विग्रह बनाते हैं, शरीर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। तो मेरा कौन सा है? है शिव का जो चित्र है वो मेरा कहेंगे, मेरा लिंग है शिव। उनको कभी भी नाम नहीं मिलता है, शिव को कभी भी नाम नहीं मिलता है। हा क्योंकि जब कहा जाता है शिव जयंती, तो भला जयंती होगी है तो जयंती किसकी मनाई जाती है, साकार की या निराकार की? साकार की मनाई जाती है। तो जयंती होगी तो जरूर कोई भी आएंगे, नहीं आएंगे? हा जरूर कोई भी आएंगे। तो जिसमें आएंगे जरूर है तो शिव जयंती मनाई जाएगी। आएंगे तो पहले गुप्त रहेंगे कि पहले प्रत्यक्ष हो जाएंगे? आत्मा भी जब आती है शरीर में तो पहले गुप्त होती है कि पहले प्रत्यक्ष हो जाती है? हा चार पांच महीने गुप्त रहती है ना। हा वो हद की बात है और ये है बेहद की बात, बेहद आत्माओं के बाप की बात। क्या तो ये कितने साल गुप्त रहती है? अरे गर्भ में कितने साल रहती है? है 9 साल। अरे वो तो हद की बात हो गई है। अस्सी 85 साल। हा 40 भी ठीक कहेंगे, 9 भी ठीक कहेंगे। 9 इसलिए ठीक कहेंगे कि जब से तुमको तारीख बताई बाप दादा की 5 दिसंबर है ना, तो जिस तन में 5 आत्मा जिसे दादा कहा गया वो तनधारी में प्रत्यक्ष होती है आत्मा, तो वो भी तो ज्ञान में आया होगा ना। कब से आया? अरे कोई वर्ष हुआ कि नहीं? कब से आया? हाँ 1969 से आया होगा। 1969 से लेकर के फिर 9 साल ऐड कर दो, 9 साल ऐड कर दो कि 4 साल ऐड कर दो, सत्तर 71 72 73 तो 4 साल हुए है? 4 साल हुए इसका मतलब प्रत्यक्ष होना चाहिए 5वें साल में, नहीं तो कैसे बोल दिया? घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। कौन से सन की वाणी है? हा? देख लेना अब उसमें सच्ची गीता खंड 1 में वाक्य दिया होगा, 73 में या 74 में, समझा? तो बताया ये 4 साल वहां लगते हैं। ये तो वही एक की बात, उसको भी हद का कहेंगे फिर बेहद का कहेंगे मनुष्य सृष्टि के बाप को। मनुष्य सृष्टि के साकार जो बाप होते हैं उनमें बेहद ही कहेंगे ना, उसे साकारों के बीच में। अब
जो और मनुष्य आत्माओं की बात है उनके सामने प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगता है, क्या कहेंगे? हा उसको 4 साल तो उसमें 40 साल लगा दो, है ना, 40-50। तो कोई आत्माओं को 40 साल, कोई आत्माओं को 50 साल। तो जिनको 40 साल से प्रत्यक्षता होना शुरू होती है वो किस कैटेगरी की आत्मा है? उनको कहेंगे वो कैटेगरी की आत्मा है जो बीज रूप आत्मा है, उनमें भी नंबर वार होती है, फर्स्ट क्लास नंबर वार, तो 8 को कहेंगे, तो वो पहले पहचानेगी, उनमें भी नंबर वार, कोई पहले कोई बाद में, तो जो पहले पहचानेगी उसकी प्रजा पहले निकलेगी कि बाद में निकलेगी? उसकी प्रजा पहले, और जो बाद में पहचानेगी उनकी प्रजा बाद में। तो असली शिव जयंती कब होगी? जब कहें सारी बीज रूप आत्माएं पहचान लें, तब कहेंगे असली शिव जयंती। तो भला शिव जयंती होगी जरूर, कोई में तो आएंगे ना, कोई एक में ही मुकर्रर रूप से पहले आएंगे ना, नहीं तो शिव जयंती कैसे मनाई जाए? जयंती माना अभी जैसे शास्त्री जी का जन्म है, मनाते हैं ना, मनाते हैं, कभी मरने का भी मनाते हैं, कभी जन्म का भी मनाते हैं है? हा तो ब्रह्मा कुमारियों से पूछा जाए तुम कौन सा मनाते हो, मरने का मनाते हो कि जन्म का मनाते हो? वो मरने का मनाते हैं, मरंती मनाते हैं। अरे और तुम बच्चे कौन सा मनाएंगे, शिव की जयंती मनाएंगे कि मरंती मनाएंगे? हा शिव की जयंती तो होती है, उसकी मरंती तो कभी होती ही नहीं, जिसमें आता है वो ही शिव जयंती के रूप में 5000 साल तक है याद किया जाता है, याद किया जाता है, लेकिन उसका असली रूप थोड़े ही समझते हैं, कोई समझते हैं नहीं, न स्वर्ग में है न नरक में। जैसे मैं गुप्त रहता हूं वैसे वो भी सच रूपी रंगमंच पर पार्ट तो बजाता है कि नहीं? बजाता तो है, लेकिन लेकिन गुप्त रूप में पार्ट बजाता है, कोई पहचान नहीं सकता कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, जिसको कोई भी युद्ध में हराए नहीं सकता, हरा सकता है हो हीरो को, हीरो को विलियन कभी हराए नहीं पाता। तो तुम लोग मनाते हो ना, जयंती भी मनाते हो मरंती भी बनाते हो, किसकी है? अरे भक्ति मार्ग में जयंती भी मनाते आए मरंती भी मनाते आए, हा तो बच्चों को भी आजकल मनाते हैं, भाई फलाने की आज जयंती है, कहते हैं जन्मदिन है, मनाते हैं ना। तो जन्मदिन तो सबका होता है, सबका माने चाहे आत्माएं हो चाहे मनुष्य आत्माएं, जन्म तो सबका होता है। अच्छा और मृत्यु, मृत्यु कभी है कभी है, दोगली बात कर देते, क्या पता समझे, लिखो तो पक्का पता चले। हा जयंती सबकी होती है, लेकिन सबकी मरंती नहीं होती, किसकी किसकी मरंती नहीं होती? जल्दी बताओ, लिखो, शंकर की नहीं होती। अच्छा शिव की होती है, शिव मर जाता है,
हाँ, शिव और शंकर दोनों आत्माओं की मरंती नहीं कहेंगे, शिव की भी मरंती नहीं कहेंगे और शंकर की भी मरंती नहीं कहेंगे, नहीं, न मरंती होती है न कहेंगे कि वो बुढ़े होते हैं, बुढ़े होते हैं न, शिव बुढ़ा होता है न शंकर बुढ़ा होता है, क्यों? और संगम युग में बुढ़ा नहीं होता होगा, सफेद बाल वाला हो जाए, है लड़खड़ा के चलने लगे, है कांप कांप के चलने लगे, उसको थाम थाम के लोग चले, तो नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं है? अरे बताओ, है आत्मा, हाँ अगर आत्मा समझ के रहेगा तो पावर रहेगी कि नहीं है? और देवान में रहेगा तो फिर जरूर हाथ पांव लड़खड़ाने लगेंगे। अंत में मनुष्यों को जब मरने लगते हैं, है बुढ़े हो जाते हैं, बहुत जयीफ हो जाते हैं ना, तो क्यों हाथ पांव लड़खड़ाते हैं? इतने लड़खड़ाते हैं कि उनको पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है, क्यों? क्यों? क्योंकि देवान की अति हो जाती है। ऐसे नहीं कि बुढ़ापा आ जाता है तो देवान कम हो जाता है, कम हो जाता है कि मन में और ज्यादा बढ़ जाता है, हाँ और ज्यादा बढ़ जाता है। तो बताओ, सबका होता है जन्मदिन, तो शिव का जन्मदिन कैसे होता है ये बताओ, कैसे होता है, कब हुआ? ब्रह्मा कुमारियों से पूछे कब हुआ तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? 36 में हुआ, वो बताएंगे 36 किस में आया? हाँ वो बताएंगे, झूठा बता देंगे, ब्रह्मा बाबा में आया क्या? हाँ, शिवोहम निराकार स्वरूपम आनंद स्वरूपम शिवोहम स्वरूपम, है साक्षात्कार हुआ और आ गया। और मुरली में क्या बोला? मुरली में बोला ऐसे थोड़ी कि प्रवेश करते हैं, वो बात अलग है, और साक्षात्कार होता है वो बात अलग है। साक्षात्कार भक्ति मार्ग में भी होते हैं, तो क्या प्रवेश कर गया? नहीं, साक्षात्कार को कोई प्रवेश करना नहीं कहते हैं। तो दादा लेखराज को जब साक्षात्कार हुआ सन 36 में, तो उसको नहीं कहेंगे कि जन्म हो गया आ गया। और जन्म भी प्रत्यक्षता को जन्म कहते हैं, या आत्मा शरीर में प्रवेश करती है पेट के अंदर तो जन्म कहते हैं। जन्म कब कहते हैं? जन्म तो तब कहा जाता है जब बाहर आए, जो देखे जो सुने, बच्चा पैदा होगा ना पड़ोस में, उआ उआ की आवाज आएगी, पड़ोसी सुनेगा हाँ बच्चा आ गया, बच्चे का जन्म हुआ, ऐसे ही कहेंगे ना कि मृत्यु हुई ना, जन्म हुई, आवाज भी सुन ली तो भी कहेंगे जन्म हुआ, और जाके देखा तो भी कहेंगे हाँ जन्म हुआ। तो ऐसे ही बताओ कि शिव का जन्म कैसे होता है? दुनिया में तो कोई ऐसे कहता नहीं कि हमने देखा, हमने पाया, हमने सुना, आ गया। हाँ, हम श्रद्धालु होते हैं, भगत लोग तो कहते हैं हमने पाया, हमें भगवान मिल गया, हमने सुना, इनसे सुना, उनसे सुना, भगवान आया है तो हमने जाके देखा, हाँ दादा लेखराज के तन में आया भगवान, फिर क्या हुआ? मरंती हो गई। अरे तो भगवान कहाँ हुआ? अरे शिव की मरंती होती है क्या? शिव की सिर्फ जयंती गाई हुई है या मरंती भी मनाते हैं, है? मृत्यु दिवस मनाते हैं क्या? नहीं, बरस बरस बरसी मनाते हैं क्या? नहीं मनाते। तो बताया, अब बताओ शिव का जन्मदिन कैसे, जन्म कैसे होता है? जो देखे जो सुने वो तो ठीक है, जैसे दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो वो बात कब होगी? अभी कोई कहता है कि हमने देखा हमने सुना, हाँ अंधश्रद्धालु होते हैं तो कहते हैं हमने देखा हमने सुना, हाँ वो मर गया, कब मर गया? 1969 18 जनवरी को मर गया, तो ये तो झूठी बात हो गई। हाँ बताया,
जन्मदिन कैसे होता है, क्या होता है ये जन्मदिन, ये तो कोई भी नहीं जानते है। कोई भी नहीं जानते। अरे तुम बच्चे तो जानते होगे, जानते हो कि नहीं? अरे आंखें चौड़ी करके देखने लगे। अरे जानते हो कि नहीं? कोई भी नहीं जानते, तो कोई में कोई है जानने वाला? अरे अरे कोई है या नहीं है, है? कोई है? हाँ कौन है, हमें भी दिखा दो। अरे किसकी आंखों ने देखा, किसके कानों ने सुना कि सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में आ गया है? और फिर जो देखेगा जो सुनेगा वो सब ऐसे ही कहेंगे, क्या आ गया, आ गया, आने वाला आ गया, जिसकी चाह थी वो आ गया। स्वधर्मी होंगे वो भी फिर एक दिन कहेंगे, भले बाद में कहेंगे, विधर्मी भी कहेंगे बाद में, स्वधर्मी पहले कहेंगे। स्वधर्मी क्यों? स्वस्थिति में टिक गए तो स्वधर्मी, स्थिति में बाद में टिकेंगे मारपीट के धर्मराज डंडे खा के तो कहेंगे कि हाँ बाद में, बाद का नंबर। तो देखो शिव जयंती मनाते तो जरूर है, है? तो मनाते हैं तो होलीडे आती है, होलीडे हो जाएगी। तो 76 में होलीडे मनाई कि नहीं गवर्नमेंट ने भी, क्यों मनाई? 76 में मनाई, अब नहीं मनाते हैं सब, मनाते हैं सब, अब सब नहीं मनाते, कोई कोई मनाते हैं, गवर्नमेंट में तो नहीं मना, पहले छुट्टी करते थे, अभी अभी नहीं। तो बाबा ने कहा होलीडे आएगी ना, माने भविष्य में आए, 67 में नहीं आएगी, माना जब आई तो छुट्टी हुई, हॉलीडे हुआ ना, 76 से हॉलीडे हुआ। अभी शिवरात्रि कहा जाता है, क्या शिव जयंती कहा जाता है या शिवरात्रि कहा जाता है? भक्ति मार्ग में शिवरात्रि कहते हैं ना, शिव जयंती कोई कहता है नहीं? हाँ रात्रि क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी दुनिया अंधकार में, जो कहते हैं हमें भगवान बाप मिल गया, अरे शिव आ गया है, हमने देखा हमने पाया, शिव बोला भगवान, गीत गाते हैं तबला बजा बजाएंगे क्या? हाँ तो उनको मिल गया है? वो ठीक बात है कि अंधश्रद्धा मिल गया, अगर मिल गया होता तो फिर वो मरंती नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है, मूर्तिधारी का, मूर्तिमान का, वो तो कभी मरता ही नहीं, और उसका शरीर का जन्म भी होता ही नहीं, उसके उस शरीर पवित्र शरीर का जन्म कोई देने वाला मां बाप होता ही नहीं। तो इसलिए अज्ञान में होने के कारण शिवरात्रि कहते हैं, अज्ञान की अंधकार की रात्रि में भटक रहे हैं सब। तो रात्रि का तो कोई अर्थ जानते ही नहीं है, क्या है कि अज्ञान की रात्रि में है, सोझरे में नहीं है। वो असली ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर जब उदित होता है वो जड़ सूर्य नहीं है, चैतन्य ज्ञान सूर्य जब उदय होता है तो चारों ओर ज्ञान की रोशनी फैलने लगती है। पहले पूर्व साइड में फैलेगी कि पहले पश्चिम साइड में फैलेगी? वो पूर्वीय देश है वो पहले पहचानेंगे। तो अर्थ कोई नहीं जानते हैं कि शिवरात्रि क्या चीज है। जैसे कृष्ण की जयंती मनाते हैं है? तो क्या कहते हैं है? अष्टमी मनाते हैं,
के अंधकार की रात्रि में मनाते हैं, बीच में मनाते हैं। क्या बीच में मनाते हैं कि अंधकार अमावस्या को मनाते हैं? है? और वो भी कौन सी अमावस्या को? जब वो अमावस्या आने वाली होती है क्या? कृष्ण पक्ष की। तो कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं। तो ये 8 तारीख है, अष्टमी है, 8 तिथि है। 8 तारीख क्या 8वां दिन? कुछ है तिथि कहते हैं, सो बाबा को याद नहीं रहा। हाँ, 8वां जन्म उनका, कंस के घर में 8वां जन्म मनाते हैं। क्या? कंस में, कंस के ऊन में, किन में? कंस के ऊन में माने किन में? कंस की जेल में 8वां जन्म मनाते हैं, 8वें दिन पर। क्या मतलब हुआ? माना बना 8 जब प्रत्यक्ष हो जाएं, वो 7 प्रत्यक्ष हो जाएं, तब 8वां मनाया जाए। क्या? वो धर्म पिताएं कितने हैं? धर्म पिताएं जो भगवान को मानते हैं, वो धर्म पिताएं कितने है? अरे वो भी भूल गए, याद ही रहा नंबर नहीं। 4 हैं। वाह भैया, अरे असिस्टेंट धर्म पिताएं नहीं है क्या? हाँ, 8 हैं। 8 गिनाओ, लिख के दो क्या 8 हैं? है? और नास्तिक को भी जोड़ दिया उसने, वो भी भगवान है। वो भगवान को मानता ही नहीं, वो भगवान कहां से हो गया? वो कैसे भाग्यशाली हो गया? है ब्रह्म एक? कितने हैं धर्म पिताएं? वो धर्म पिताएं जिनको दुनिया धर्म पिताएं जानती है, वो बताओ। क्योंकि सुप्रीम सोल बाप को तो कोई जानता ही नहीं कि उसने कौन सा धर्म स्थापन किया। कृष्ण का नाम ले देते हैं, वो तो 16 कला संपूर्ण। अरे 16 कला संपूर्ण को बनाने वाला जो भगवान है वो कलातीत है या 16 कला संपूर्ण है? इस दुनिया में जो धर्म पिताएं जानते हैं, हाँ लिख लो है? अरे भाई इतनी देर लगाते हो, 7 ही धर्म पिताएं हैं क्या? हाँ, फिर अटल नहीं रहते, हिल जाते। 7 ही धर्म पिताएं हैं। अरे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और हाँ बुद्ध क्राइस्ट। हाँ, इस दुनिया में ब्रह्मा बाबा को कोई धर्म पिता मानेगा? मानेगा? मानेगा ही नहीं। अगर मैं होता धर्म पिता तो दुनिया में उसकी मूर्ति मानी जाती, पूजी जाती, याद करते लोग। उसको कोई याद करता है? है नहीं याद करता। तो उसको तो कोई जानता ही नहीं ना। ब्रह्मा भले ब्राह्मण धर्म स्थापन करता है, लेकिन ब्राह्मण धर्म में भंगार पैदा कर देता है। भंगार बने, उसमें भंगी चमार सब इकट्ठे हो जाते, सती हो जाते। तो फिर कोई याद करेगा? कोई याद नहीं करेगा। हाँ, उनमें से वो धर्म पिता जब प्रत्यक्ष हो, जो क्या ब्राह्मण से क्या बनाए? देवता बनाए। शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर बाप बैठ के क्या बनाते हैं? फिर बाप बैठ करके उन ब्राह्मणों को क्या बनाते? देवता बनाते। तो नवगुरु के ब्राह्मणों को बनाएंगे क्या?
है? जो अव्वल कुरी के होंगे उनको पहले बनाएंगे, फिर चलो दूसरी कुरी भी लेगी, सेकंड क्लास को भी ले लेंगे। सेकंड क्लास खराब थोड़ी माने, थर्ड क्लास थोड़ी कहेंगे, फिर भी हाँ। तो दो प्रकार की मालाएं हैं जो भगवान बाप आते हैं तो बनाते हैं, एक रुद्रमाला और एक विजयमाला। तो बताया, उनकी बात छोड़ दो, उस धर्म पिता को तो कोई दुनिया में जानता ही नहीं, ना भारतवासी जानते हैं। अगर जानते होते तो हिंदू क्यों कह देते अपन को? हिंदू कोई धर्म होता है ना? ना हिंदू का कोई धर्म पिता होता है, होता है कोई है? हिंदुस्तान शब्द से उन्होंने हिंदू उठाई लिया, वो हिंदुस्तान तो विदेशियों ने नाम रखा है, सिंधु नदी के आसपास आए वहां के रहने वालों को उन्होंने सिंधु सिंधु कहना शुरू कर दिया, सिंधु से हिंदू हो गया। तो बताया, सात ही धर्म पिताओं को दुनिया वाले जानते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, और उसके बाद है, अरे भूल गए, हा सन्यासी, सन्यासी के बाद है मुस्लिम, ये सारे वादियां करेंगे, वोटों की इशारियां कैसे समझो, हा मुस्लिम, फिर सिख, उसके बाद आर्य समाज, ये सात धर्म पिताएं हैं। इनमें से भी जो आखिरी है ना, वो भगवान को निराकार को मानता है और साकार को मानता ही नहीं। तो जैसे मानना न मानना बराबर, वो वैल्यूलेस हो गया, फिर भी मानता तो है, नास्तिक तो नहीं है कि भगवान भगवान कुछ नहीं, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो है सो बस यही है, माना ये देह ही सब कुछ है, ऐसे तो नहीं। तो जो सात धर्म पिताएं हैं उनके बाद फिर आठवां प्रत्यक्षरता रूपी जन्म लेता है, वो कौन है? जिन सात धर्म पिताओं के चेहरे है, अरे आठवां शिव बाबा प्रत्यक्ष होता है वो तो अलग बात, वो सात कौन है जिनके चेहरे दुनिया में दिखाए जाते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट है और ये आर्य समाज का भी जो जो हेड है लास्ट है, उनके चेहरे दिखाए जाते हैं कि नहीं? हाँ दिखाए जाते हैं। हाँ तो बताया, वो सप्तऋषियों के रूप में आज भी उनके मानिंद सितारे माने जाते हैं कि सप्तऋषि कोई हुए हैं, वो आसमान में जाके बैठ गए। अरे आसमान में नहीं बैठ गए, वो अभी भी ऊंची स्टेज में हैं इस दुनिया में क्या, लेकिन उन सप्तऋषियों के भी कोई बीज हैं, क्योंकि सप्तऋषि तो फिर भी दाढ़ी मूछ वाले हैं, विकारी हैं कि निर्विकारी हैं? हाँ भले वेद शास्त्र लिखे हैं ऋषि मुनियों ने मनन चिंतन मंथन करके, तो फिर मन की औलाद हैं या बुद्धि की औलाद है? हाँ मन की औलाद है ना, तो मन कौन है? हाँ एवरलास्टिंग मन किसे कहे? एवरलास्टिंग मन किसे कहे? ब्रह्मा को। कौन ब्रह्मा? ब्रह्मा तो ढेर सारे, दा ब्रह्म, ओहो एवरलास्टिंग अगर कहेंगे तो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म एवरलास्टिंग, लेकिन उसके बच्चे हैं वो सप्तऋषि, तो फिर वो बात हो रही है, जो बात हो रही है सो बताओ ना। जो सप्तऋषि कहे जाते हैं दादा लेखराज वाली आत्मा, उसको कहेंगे वो सप्तऋषि साकार, तो उनका बाप भी साकारी रहा होगा, तो वो जो साकारी रूप धारण करने वाला है, अपने देह के रूप को भूल नहीं पाता है, शरीर छूटता है तो भी देहभान बना रहता है, सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है, तो देह को छोड़ नहीं पाता, तो वो उसको कहेंगे बड़ी तीव्रता से चारों तरफ दौड़ लगाने वाला घोड़ा। कौन सा घोड़ा? अरे सप्तऋषियों को भी पता रहता होगा ना, आखिरी जन्म में भी उन आत्माओं को पता रहता होगा कि नहीं कौन है घोड़ा, वो किसको मानते हैं घोड़ा?
बहुत तीखा, नहीं बता पाओगे, ब्रह्मा को जानते हैं। अरे सात धर्म वाले जानते हैं जबराइल को, क्या ब्रह्मा कोई नाम जबराइल थोड़े ही है, ब्रह्मा नाम है, वो किसे जानते हैं है? वो जानते हैं जबराइल को, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जबराइल वाली आत्मा कौन सी आत्मा है। वो उसे आज भी भूत प्रेत समझते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी समझते हैं, लेकिन उस सूक्ष्म शरीरधारी जिन्नात पिन्नात को ब्रह्म राक्षस को क्या कहें, ब्रह्म राक्षस। तो उसको भी जन्म देने वाला कोई है या नहीं, ब्रह्म है, ब्रह्म माने बड़ी अम्मा, तो उसको भी जन्म देने वाला कोई बप्पा होगा ना, रचयिता, तो वो है परम ब्रह्म। वो ही परम ब्रह्म जो है, जब परम पिता परमात्मा शिव कलयुग के अंत सतयुग के आदि में संगम में आते हैं, तो उसकी प्रत्यक्षता होती है साकार में, जिसे कहते हैं परम ब्रह्म के रूप में। क्या बच्चा संगम युगी कृष्ण, क्या वो संगम युगी कृष्ण बच्चा तब प्रत्यक्ष होता है जब सात पहले प्रत्यक्ष हो जाए। कौन सा कौन सा तो प्रत्यक्ष हो जाए, जो सात सप्त ऋषियों की भी बीज रूप आत्माएं हैं। सप्त ऋषि जो हैं वो षष्ठी वृक्ष की जड़ें हैं, वो जड़ें भी क्या से निकलती हैं, बीजों से निकलती है ना, तो उनकी भी जो सात बीज रूप आत्माएं हैं, वो सात बीज रूप आत्माएं उनको विधर्मी कहेंगे पक्का पक्का या स्वधर्मी कहेंगे है? विधर्मी होंगी तो विधर्मियों को जन्म देंगी, और स्वधर्मी होगा तो स्वधर्मियों को जन्म देगा। तो जो सात हैं बीज रूप आत्माएं, वो विधर्मियों को जन्म देने वाली होने के कारण और राक्षसी आत्माएं हुई, द्वैतवादी आत्माएं हुई या अद्वैत देवताएं हुए मूल रूप में, द्वैतवादी घेरे गए, क्योंकि उनसे पैदाइश ही होती है उन सप्तऋषियों की, जो सप्तऋषि द्वापर में आकर के वो धर्म पिताएं, जो सात धर्म पिताएं आत्मलोक से उतरते हैं नंबर वार, उनके आधार बनते हैं। तो पता चला कि आठवां नंबर कृष्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि शिव बाप अपने जिस बच्चे में प्रत्यक्ष होते हैं आदम में, जिसे कहें संगम युगी कृष्ण, वो है एवरलास्टिंग घोड़ा अश्व। कैसा अश्व? मन रूपी अश्व, मन विनाशी अश्व या अविनाशी अश्व, लिखो भी कर लिखो, अविनाशी अभी लिखो, अविनाशी अश्व है, और उससे जो पैदा होने वाला है सतयुगी कृष्ण, वो तो विनाशी हुआ ना, के ऑलराउंड पार्ट बजाता है नहीं। तो बताया अष्टमी जो मनाई जाती है वो उस आठवें की यादगार है, क्या आठवां दिन वो कृष्ण पैदा हुआ है, तो उसका कंस के उनमें, माना कंस के उनमें माने कंस के कारागार में जन्म हुआ। अब कंस कौन सी आत्मा हुई और कंस का कारागार कौन सा हुआ बताओ। अरे जो सतयुगी कृष्ण हुआ वो कंस हुआ है,
ऐसे ही अपन को भगवान समझ के बैठ गया, हुआ कि नहीं है? हुआ? उसका बाप कोई है? अभी नहीं है, पूर्व जन्म में था, होगा। पूर्व जन्म में था कि इस जन्म में? है? भक्ति मार्ग की बात बताता है, अभी बुद्धि भक्ति मार्ग में चली जाती है। अरे ज्ञान में बताओ ना। हाँ कौन? हाँ, जो प्रजापिता है वो है वो मन जिसे भक्ति मार्ग में नाम दिया है। क्या क्या लिखा अभी? कृष्ण के बाप का नाम क्या लिखा? भक्ति मार्ग में कृष्ण के बाप का नाम क्या लिखा? वसुदेव। वसु माने धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति। प्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकल है, क्या कहेंगे? हा, वो भी प्रैक्टिकल ज्ञान की धन संपत्ति बने तब दुनिया पहचानेगी। इम्प्रैक्टिकल तो दुनिया पहचानने वाली नहीं। तो बताया कौन कौन से हुआ प्रैक्टिकल में, और फिर उसकी जेल कौन सी हुई जिस जेल में कृष्ण का जन्म हुआ? ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में हुआ क्या? कंस। और उसकी जेल कौन हुई है जिस जेल में पैदा हुआ? चकराई गई बुद्धि। अरे प्रजापिता। प्रजापिता को अभी जेल गए या खुला गए, स्वतंत्र गए? अभी देह की जेल में बंधा पड़ा है कि स्वतंत्र है? स्वतंत्र है। तो जेल हो गई वो, इसलिए बोला है जयंती मनाते हैं उनका, किनका? कृष्ण का। कंस के उनमें, माना कंस की जो जेल है जेल में पैदा हुआ ना, तो कौन सी जेल में पैदा हुआ? शरीर रूपी जेल में वो आत्मा बंद है। तो ये आखानी हुई ना बच्ची भक्ति मार्ग में, क्या कि कोई कंस समझ लिया है और कोई को जेल बना लिया। जेल तो घर होता है एक तरह का है, कारागार क्या होता है? घर ही होता है ना। तो उस समय बच्चा कृष्ण पैदा हुआ। तो आखानी है ना बच्चे कि कृष्ण के वो ये कुंती है, क्या वो? क्या वो? माँ बाप। क्या कौन है माँ बाप? देवकी और बाप वासुदेव है ना। उन्होंने वासुदेव कहा। वासुदेव का मतलब ही है वसुदेव का बच्चा। तो असली वसुदेव कौन हुआ? वसु माने धन संपत्ति ज्ञान की, और देव माने देने वाला। कौन हुआ? अरे टाइम ज्यादा लगाते, टाइम हो गया। हाँ, शिव बाप सुप्रीम सोल हुआ वसुदेव। वो जब साकार तन में आए तब उसका नाम पड़ा वसुदेव। भक्ति मार्ग का नाम दिया हुआ है। सारी यादगार त्योहार जो भी मनाए जाते हैं कहाँ के मनाए जाते हैं? संगम युग के। तो संगम युग में शिव बाप ने जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया हाँ, और जिस मुकर्रर रथ से उस कृष्ण का जन्म होता है, तो उसको नाम दे दिया वसु वासुदेव।
किसका बच्चा? वसुदेव, एक मात्रा बच्चे के अर्थ में बढ़ जाती है। जैसे ब्रह्मा से ब्राह्मण, विष्णु से वैष्णव, शिव से शैव, फॉलोअर के अर्थ। तो बच्चा बाप को फॉलो करता है। तो ये सब बताया कि वसुदेव वो हुआ बाप और देवकी हुई देवकी, क्या देवों की क्या अम्मा हुई ना। तो महाभारत में उसका नाम दे दिया है कुंती है? कुंती कहां थी है? कुंती को भी दिखाते हैं कौरवों की जेल में बंद पड़ी थी कि नहीं है, आत्मा अपने बच्चों में जा रही होगी कि नहीं, दिल दिमाग कहां जा रहा होगा, हाय मेरे बच्चे जंगल में कैसे घूम रहे हो, जाएगी कि नहीं। हा तो कृष्ण के वो माँ बाप ये हैं, बाप का नाम बाबा भूल गए, कुंती का याद रह गया। कुंती, ये कुंती है अम्मा, किसको फंसाया था जेल में? हा देवकी को फंसाया, तो देवकी को जेल में डाला था। बाबा को, बाप का नाम भक्ति मार्ग में क्या था तो भूल गए, देवकी को जेल में डाला था। ओम शांति।